गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आरबीएससी बोर्ड क्लास 12। 10 वर्षों से 100% रिजल्ट के साथ रूरल एरिया में इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। क्लास 10th एंड 12th आरबीएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल पर वंदना रावल। गोल्डन रेज बुक 1 इंग्लिश क्लास 10th लेसन 2 ऑन वॉयलेंस पेज 23 पैसेज 7। व्हेन यू वोक अप दिस मॉर्निंग, जब तुम इस सुबह उठे हो, डिड यू लुक आउट ऑफ द विंडो, क्या तुमने अपनी खिड़की के बाहर देखा है। यू वुड हैव सीन दोज हिल्स, तुमने वो पहाड़ियाँ देखी होंगी। बिकम सैफ्रन, जो कि केसरिया हो जाती है ऑरेंज कलर की। द सन रोज अगेंस्ट दैट लवली ब्लू स्काई, क्योंकि सूर्य उन पहाड़ियों के पीछे से उठ रहा है, उदय हो रहा है। एंड एज द बर्ड्स बिगेन टू सिंग, ओ जैसे ही पक्षी गाना शुरू करते हैं। एंड द अर्ली मॉर्निंग कुकू कोड, और जो प्रातः सुबह कुकू कोयल कुकू करती है। देर वॉज अ डीप साइलेंस ऑल अराउंड, तो चारों तरफ बहुत शांत माहौल होता है। अ सेंस ऑफ ग्रेट ब्यूटी एंड लॉनलीनेस, और पूरा वातावरण सुंदरता से, ब्यूटी से और लॉनलीनेस एकांत से भर जाता है। एंड इफ यू वन इज नॉट अवेयर ऑफ ऑल दैट, अगर तुम इन चीज़ों को महसूस नहीं कर पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो, वन माई जस्ट एज वेल बी डेड, तो तुम एक जिंदा व्यक्ति की तरह नहीं हो, तुम एक डेड व्यक्ति हो जिसे ये सब चीज़ें अनुभव नहीं हो रही हैं। बट ओनली अ वेरी फ्यू पीपुल आर अवेयर, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अवेयर हैं, जागरूक हैं। यू कैन बी अवेयर ऑफ इट, तुम भी इसके प्रति जागरूक हो सकते हो। ओनली व्हेन, केवल तब, योर माइंड एंड हार्ट आर ओपन, जब तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा हृदय हार्ट आर ओपन, खुले हुए हों। व्हेन यू आर नॉट फ्राइटन्ड, जब तुम डरे हुए नहीं हो। When you are no longer violent, जब तुम हिंसक नहीं रहे हो। Then there is joy, तो फिर तुम देखो यहाँ आनंद है। There is an extraordinary, यहाँ बिल्कुल extraordinary, सामान्य से कहीं अधिक, bliss of which, उस चीज़ का चुंबन है, a very few people know, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। एंड इट इज़ पार्ट ऑफ एजुकेशन, और ये शिक्षा का हिस्सा है। टू ब्रिंग अबाउट दैट स्टेट इन द ह्यूमन माइंड, कि एक मानव के एजुकेशन टू ब्रिंग अबाउट स्टेट इन द ह्यूमन माइंड, कि ह्यूमन मानव मस्तिष्क को, विचार को, सोच को इस स्तर तक लाया जाए। जय कृष्णमूर्ति। Answer the following questions from the passage. Question 1. When did the hills become saffron? पहाड़ियाँ केसरिया कब हो जाती हैं? Question number 2. When was their birds singing a deep silence and great beauty? कब पक्षी गाते हैं और गहरी शांति हो जाती है, and a great beauty, और बहुत खूबसूरत हो जाता है माहौल। When can we aware of the beauty of the nature? हम प्रकृति की सुंदरता को कब जान पाते हैं? Question number 4. Write from the passage the word which means orange yellow color. Passage से वो शब्द खोजिए जिसका अर्थ होता है केसरिया पीला color. That's answer is saffron. केसरिया। YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। YouTube चैनल पे वंदना रावल। थैंक्स।